हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, और साथ ही साथ बात करेंगे उन सभी स्टॉक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर भी। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, साथ ही साथ जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है या फिर एक अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर चाहे वो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन हो, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो, कप एंड हैंडल पैटर्न हो, राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो, किसी भी टाइप का अगर पैटर्न फॉर्मेशन होता है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो डेफिनेटली हम लोग रेगुलर बेसिस पे स्टॉक को पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इन केस अगर आपके पास समय नहीं है, आप खुद से मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको ग्रुप में पिंड मैसेज में मिल जाएगा। जितने भी लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहते हैं, तो लास्ट वन मंथ का यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस रिपोर्ट पोस्ट किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल में डेट वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन से स्टॉक को कौन से डेट में किस लेवल पे बाई किया है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट वन है, क्या टारगेट टू है, और हम लोगों का वहाँ पे क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कहाँ पे टारगेट वन कंप्लीट हुआ, कहाँ पे बोथ टारगेट कंप्लीट हुआ, एवरीथिंग जो है यहाँ पे आपको मेंशनड है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पिंड मैसेज में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे NBCC। NBCC के शेयर में आज स्टॉक मामूली तेजी के साथ क्लोज हुआ है। मॉर्निंग में स्टॉक ऊपर की साइड जरूर गया, बट ऊपर उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। फाइनली स्टॉक जो है मार्जिनली ऊपर क्लोज हुआ है, 11 पैसे की तेजी के साथ स्टॉक यहां पे क्लोज हुआ है। इस स्टॉक के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहां पे कंपनी के बोर्ड ने ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने का अप्रूवल दे दिया है। ये 1000 करोड़ से जो है आपको इंक्रीज किया जाएगा 1 रुपीज ईच पे। अब ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने का मतलब होता है इनडायरेक्टली आप फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रेश ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है जो आप फ्रेश शेयर्स का एडिशन कर सकते हैं, और फ्रेश शेयर्स का एडिशन जो है आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जिससे कि या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप पैसा ले सकते हैं, या फिर जो है आप फ्रेश शेयर से QIP के थ्रू या अदर मींस के थ्रू प्लेस करके आप फंड को रेज कर सकते हैं। तो कंपनी जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली फंड को रेज करने वाला है। स्टॉक एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक शानदार ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे एक काफी टाइम के बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक 2017 से यहाँ पे फॉल हुआ, फॉल होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया, बेस होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे आपको शानदार तेजी कर चुका है। स्टॉक 175 के ऊपर का हाई लगा चुका है। लगातार स्टॉक प्रीवियस 3-4 मंथ से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, अब स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर कल के सेशन में स्टॉक 160-162 के लेवल पे क्लोज हो जाता है, या फिर 155-156 के लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, तो आने वाले समय में इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद बाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है SJVN। SJVN के स्टॉक में आज 2.25% का तेजी देखने को मिला। इस कंपनी के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक गुड न्यूज है। SJVN का जो सब्सिडरी है SJVN ग्रीन एनर्जी,
एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है एएम ग्रीन अमोनिया के थ्रू, जहां पे कि ग्रीन अमोनिया का प्लांट लगाएगा। तो ये एक जो है कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है और इसी वजह से स्टॉक में हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है। लगातार एसजेवीएन अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, अलग अलग फील्ड में वेंचर करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी के फील्ड में लगातार एसजेवीएन के काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच है। इस स्टॉक में अगर देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर ही बात करते हैं, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक जो है 100 to 150 इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी ये रेंज ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी अभी हम लोगों के पास नहीं है। फ्रेश बाइंग के लिए अभी और वेट करना होगा। स्टॉक जो है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो स्टॉक और कुछ टाइम इस रेंज में स्पेंड कर सकता है, उसके बाद जो है स्टॉक में तेजी आएगा। स्टॉक में तेजी कब आएगा? जब स्टॉक ऊपर की साइड में इन सभी लेवल्स को क्रॉस करेगा, 160 के लेवल के ऊपर जब स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, तब फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक जबरदस्त तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग अभी आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, फ्रेश बाइंग के लिए वेट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है तो आप यहाँ पे होल्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है RBNL। RBNL में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया था 425 का, एक बार के लिए इस लेवल को क्रॉस करने का भी कोशिश किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। अभी ऑलमोस्ट आपको 414 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी कंपनी ने वापस से एक जो है ऑर्डर कंपनी को मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल चुका है। KRDCL और RBNL का जो ज्वाइंट वेंचर है उसको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है साउदर्न रेलवे की तरफ से। 156.47 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पे जो आपको ऑटोमेटिक सिग्नल जो है इन बिटवीन अर्नाकुलम जंक्शन टू वलटोल नगर, इस सेक्शन में जो है आपको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम किया जाने वाला है तिरुअनंतपुरम डिवीजन में साउदर्न रेलवे में। और इस वजह से ही स्टॉक में हम लोगों को लगातार अगर देखेंगे तो स्टॉक ऊपर की साइड मूव कर रहा है। कंपनी को लगातार ईच वीक आपको नया ऑर्डर मिल रहा है, तो इस स्टॉक को लगातार होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर बात करेंगे तो स्टॉक जब 425 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। फ्रेश बाइंग के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एग्रेसिवली आपको बाइक नहीं करना चाहिए, फ्रेश बाइंग आपको SIP मोड में ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है पाई इंडस्ट्री। पाई इंडस्ट्री एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कल के सेशन में वीकली कैंडल भी क्लोज होने वाला है और 4000 के लेवल को अगर स्टॉक क्रॉस कर जाता है तो एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। पाई इंडस्ट्री के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है जो एग्रोकेमिकल कंपनी जो है आपको एक एक्वायर करने जा रहा है प्लांट हेल्थ केयर PLC। तो यहाँ पे जो है 32.8 मिलियन यूरो में ये डील होने वाला है और कंपनी का ये स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर बिजनेस में और ज़्यादा पेनेट्रेशन के लिए कंपनी यहाँ पे लगातार जो है नए नए अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहा है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है वीकली बेसिस पे और स्टॉक जो है एक वर्ज पे है ब्रेकआउट करने का। लगातार स्टॉक जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 4000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। एक अच्छा तेजी हुआ रिट्रेसमेंट, वापस से अच्छा तेजी रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पे देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वेट करना है 4000 के लेवल के ऊपर क्लोज होने का। एक बार स्टॉक 4000 के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।